नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड 27 जनवरी बुधवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। बीजेपी ने आरजेडी को दिया बड़ा झटका। लालू प्रसाद के करीबी पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में नहीं है सुधार, पटना में भागवत करा रहे हैं तेज प्रताप। सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई के बिगड़े बोल, कहा काम ना करने वाले अधिकारियों को जूता नहीं मार पा रहे, अफसोस। बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट मैच के दौरान गिरी स्कूल की छत, 10 बच्चे हुए जख्मी। झारखंड में 9 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के लोन मार्च तक होंगे माफ। अब खबरें विस्तार से। चुनाव के बाद भी बिहार में दल बदल का खेल रुक नहीं रहा है। सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी की तरफ विरोधी दल के नेताओं का रुझान लगातार जारी है। दूसरे दलों से विधायक, पूर्व सांसद और विरोधी पार्टियों के बड़े नेताओं का जेडीयू और बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी की तरफ से पूर्व सांसद सीतारमन यादव, पूर्व विधायक सुबोध पासवान, पूर्व एमएलसी दिलीप कुमार यादव, पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व विधायक नगीना देवी, कांग्रेस की नेत्र अनीता यादव, मीरा देवी, संतोष महत सहित कई बड़े नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हाल जानने वाले शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। अस्पताल में उनके साथ उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं। लालू की तबीयत में अभी ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील कर कहा है, लालू जी के शुभचिंतक जहाँ भी हैं वहीं से उनके लिए दुआ करें, एम्स ना आए। वहीं लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती भी दिल्ली में ही हैं। इसके अलावा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पिता के ठीक होने के लिए पटना में बड़ी पूजा करवा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेज तर्रार नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दुमका में प्रमंडल स्तरीय बैठक में बसंत सोरेन ने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं की बात बीडीओ, एसओ, एसपी नहीं सुन रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों पर जूता चप्पल नहीं मार पा रहे हैं, ये अफसोस की बात है। बसंत सोरेन ने यह बयान तब दिया जब मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। बसंत के बयान से सभी सकते में आ गए। बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट मैच के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बच्चों से पटी हुई हाई स्कूल की छत अचानक से जमीन पर आ गिरी। इस हादसे में करीब 10 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना बरौली के हाई स्कूल मैदान की है। दरअसल हाई स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर निजी आयोजकों के द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, इसी दौरान ये घटना घटी। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप इस साल 31 मार्च तक राज्य के लगभग 9 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के कृषि लोन माफ कर देगी। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कर दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों के 50,000 रुपये तक के लोन माफ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।